दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे BTS मेंबर जी होप कितना ज्यादा डरते हैं। उन्हें लगभग सभी चीजों से डर लगता है, चाहे भूत हो, चाहे राइड्स हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसेक्ट हो, उन्हें हर चीज से डर लगता है। और एक बार ऐसे ही BTS मेंबर जिमिन ने जे होप के इस डर का फायदा उठाया था। तो ये इंसिडेंट काफी ज्यादा फनी है फ्रेंड्स, और ये इंसिडेंट है BTS इन द सूप सीजन 2 की। तो फ्रेंड्स, BTS इन द सूप सीजन 2 में BTS मेंबर जिस घर पे रुके थे, वो घर काफी ज्यादा बड़ा था और काफी सुंदर भी था। साथ ही उस घर के आसपास के घर ऐसे ही खाली पड़े हुए थे, मतलब फिलहाल उन घरों में कोई भी नहीं रहता था। तो फ्रेंड्स, उन्हीं में से एक खाली पड़े घर पे हमारे प्यारे BTS मेंबर जिमिन और जे होप अपना फेयर टेस्ट करने गए थे। साथ ही उस वक्त रात हो रही थी, दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे कि आखिर घर पे कौन है। साथ ही जे होप के हाथों में एक कैंडल थी, तो दोनों ने अपना फेयर टेस्ट स्टार्ट किया और उन दोनों के साथ बस एक कैमरामैन थे। फिर दोनों एक खाली पड़े घर पे पहुंचे, दोनों ने ग्राउंड फ्लोर तो चेक कर लिया। साथ ही जे होप आगे चल रहे थे और जिमिन उनके पीछे चल रहे थे, और जैसे ही दोनों फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं, जिमिन जे होप के पीछे जोर से चिल्ला देते हैं। उसके बाद क्या था फ्रेंड्स, जे होप इतना ज्यादा डर गए थे, डर के मारे उनकी हालत पूरी खराब हो गई थी। उन्हें लगा जिमिन ने जरूर ही कोई भूत देख लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, जे होप ने जिमिन को कहा, मुझे और फेयर टेस्ट नहीं करनी, मुझे बस घर जाना है। साथ ही उस कैमरामैन को भी देखकर जे होप बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। हालांकि इसके बाद जिमिन ने बताया कि ये सब प्लान था। जिमिन उस घर को पहले ही चेक कर चुके थे, वो बस जे होप के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि जे होप इतना ज्यादा डर जाएंगे। साथ ही जे होप ने कहा, वहाँ इतना ज्यादा अंधेरा था कि कोई भी डर जाएगा। पर फ्रेंड्स, हमारे जे होप की तो हालत ही खराब हो गई थी। तो जब बात मस्ती की आती है, तो हमारे जिमिन भी किसी से कम नहीं है, उन्होंने तो जे होप की हालत ही खराब कर दी। साथ ही मुझे लगता है इसके बाद तो जे होप कभी भी अपना फेयर टेस्ट करने नहीं जाएंगे। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने BTS सूप सीजन 2 अभी तक देखी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे। Oh, 정말 가고 싶어. 집 가고 싶어.